हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। कोमल्स किचन में बनने वाले हैं तंदूरी मोमोस। मोमोस बनाने वाले तंदूरी मोमोस, वो बिना तंदूर के घर के गैस पे, वो भी झटपट। अब आप सोचेंगे कि गैस पे बनेगा क्या? आप यही देखने के लिए मेरा वीडियो अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, और सब्सक्राइब करने तो बनता ही है। मोमोज तो आपको हमने स्टीम वाले बहुत बताए हैं, लेकिन आज हम जो मोमोज बनाने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से हैं। इसलिए आज पहले हम स्टीम नहीं देंगे, इसे हम करेंगे फ्राई। फ्राई के लिए मैंने रखी है गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई अच्छी हीट कर गई, ज़्यादा हीट नहीं करना है, नहीं तो जल जाएंगे हमारे मोमोज। हमें एक एक करके इस मोमोज को डाल देना है। हम आज पे डालते हैं तो अच्छे से फ्राई भी होते हैं और हमारे मोमोज जलते नहीं हैं, वो अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं। और आप देख सकते हैं हमें इसे उलटते पलटते हुए फ्राई करना है। बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाते हैं। फ्राई के बाद जब हम तंदूरी बनाते हैं तो इसका स्वाद दुगना आता है, और स्टीम वाले बनाएंगे तो कई बार हमारे मोमोज फट जाते हैं। इनकी लेयर भी हमें थोड़ी सी मोटी रखनी है, और आप देख रहे हैं इसमें बबल्स बनना शुरू हो गया है। जब ये बबल बनता है तब तक अच्छे से वो फ्राई होता है। ये देखिए हमने इसे उलटाते पलटाते हुए फ्राई करना है, और आप देखिए उलटते पलटते हुए बहुत आसानी से ये फ्राई हो रहे हैं। और जब हम स्टीम करके फ्राई करते हैं तो कई बार हमारे मोमोस फट जाते हैं। कि जो मोमोस हमारे फ्राई होते जा रहे हैं हम उनसे कढ़ाई से निकालते हुए जा रहे हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक बाउल। बाउल में डालेंगे हम कट दही। काफ़ी थिक सी दही रहती है तब इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, नहीं तो ये पानी छोड़ जाती है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है इसलिए मैंने कम डाला है, क्योंकि काफ़ी तीखा होता है। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला हम इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि खट्टा सा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे ब्लैक पेपर। एक चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को हमें एक विस्कर से अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। डालेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी से ये पहाड़ी फ्लेवर आने लगता है, और आप देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच भुना हुआ बेसन। भुने हुए बेसन के कारण इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो 3 बड़े चम्मच हमने इसमें ये डाला है। डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने देवी लाल मिर्च डाला है ताकि तीखा भी ना हो और कलर भी अच्छा है। हमने इसमें डाला है ये मिंट पाउडर। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कोरिएंडर, क्योंकि काफी फ्लेवर वाला हम बना रहे हैं। ये मस्टर्ड ऑयल, जिससे मैंने काफी हीट, दिख रहा है आपको धुआं कि काफी ये गर्म है। हमें गर्म मस्टर्ड ऑयल की नीड होती है। यदि आप स्किप करना चाहें तो इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। हमें इसका अच्छे से तड़का लगाना है, अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हैं कितना यम्मी सा हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। लेंगे थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज वाला फूड कलर मैंने लिया है। 2-3 ड्रॉप ही डाला है, ये मेरा लिक्विड कलर है। यदि आपके पास लिक्विड नहीं है तो ड्राई कलर को पानी में घोल के डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, जो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, खट्टा सा। अब सारी चीजें हो गई हैं आपस में मिक्स, और ये देखिए सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मोमोस। आप देखो, लग रहे हैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा कलर, उसी तरीके से आज हमारे तंदूरी मोमोस बनने वाले हैं, पूरे रेस्टोरेंट फ्लेवर के। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, क्योंकि हमारा मसाला अच्छा थिक था तो उसमें अच्छे से कवर हो गया है। आपको मॉइस्चर भी दिख रहा है और पूरी अच्छे से कोटिंग चढ़ी हुई है। अब हम इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट हो चुका है, हमारे मोमोस अच्छे से रेस्ट कर चुके हैं। आपको लग रहा है ना स्ट्रीट स्टाइल में तंदूरी मोमोस, और आपको मैं घुमा के दिखा रही हूँ कि इसमें सारे में अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। अब मोमोस को हम फैला देंगे और बीच में हम डीपनेस बना देंगे। अब आप सोचेंगे हमने बीच में डीपनेस क्यों बनाई? हमें एक कटोरी या फाइल की बनी कटोरी को इसमें
रख देना है। आज हम बनाने वाले हैं स्मोकी फ्लेवर के साथ, वो भी बहुत अच्छा बनता है, खाने में बहुत ही यूनिक रहता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसमें हम आज स्मोकी फ्लेवर देने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है फॉइल की कटोरी, अंदर रखेंगे जला हुआ कोयला, इस पे रखा है जला हुआ कोयला, उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी से इसमें अच्छा धुआं आता है और जैसे ही धुआं निकलेगा हम उसे प्लेट लगा देंगे। इसे मात्र 30 सेकेंड के लिए रखेंगे ताकि पूरे मोमोज में अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। हमने 30 सेकेंड के लिए रखा और इसमें पूरे धुएं से स्मोकी सा फ्लेवर आ गया और आप देख सकते हैं साइड में पूरे मोमोस हमारे ड्राई हो गए, क्योंकि स्मोकी की वजह से ये सारा जो इसका मॉइस्चर था उस स्मोक की वजह से सूख गया है। अब हम इसे निकाल देंगे हल्के हाथों से और आप देखिए अब इसमें ड्राइनेस आ गया। अब हम इसके अंदर या दही का पानी या नॉर्मल पानी डाल के इसको हल्का सा मॉइस्चर देंगे। देखिए मैंने ये कोयला मार्केट से लिया था, मार्केट में इजीली मिल जाता है, नहीं तो आपके यहाँ शहर में डोसे वगैरह आजकल सिगरी डोसे बहुत चल रहे हैं, उसके यहाँ से भी आप एक कोयले का अरेंजमेंट कर सकते हैं। मात्र एक कोयला 4 से 5 बार यूज होता है, तो ऐसा कोयला आप नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे गैस पे जला के इसका स्मोकी फ्लेवर बिरयानी हो या मोमोस हो सब में हम दे सकते हैं। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दही वाला पानी, नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं ताकि इसमें हल्का सा मॉइस्चर आ जाए। हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है ताकि मॉइस्चर भी आ जाए और हमारे मोमोस टूटे भी ना। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है सलाई, जो घर पे स्वेटर वगैरह बनाते हैं, इसकी स्टिक भी आती है लोहे की, यदि आपके पास नहीं है तो आप इस सिलाई से काम चला सकते हैं। हम लकड़ी वाली स्टिक पे इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि लकड़ी की स्टिक जल जाती है, क्योंकि हमें डायरेक्ट गैस पे इसे स्मोकी फ्लेवर बनाना है। तंदूर बनाने के लिए डायरेक्ट गैस पे रखना होता है तो लकड़ी की स्टिक को पानी में भिगोना पड़ता है काफ़ी घंटों तक, बहुत टेंशन होती है। यदि आपकी ऐसी स्टिक होगी तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इस स्टिक में हम एक एक करके मोमोज को डालते जाएंगे। आपकी जितनी बड़ी स्टिक है उतने आप मोमोज डाल सकते हैं, लेकिन गैस की आंच भी उसमें लगनी चाहिए, उस हिसाब से हमें इसमें मोमो को स्टिक में भरना है। तो मैं 6-6 मोमोज को एक एक स्टिक पे भर रही हूँ। आप देखिए मैंने दोनों स्टिक पे 6-6 मोमोज को फिल कर दिया है। अब हम इसे करेंगे डायरेक्ट गैस पे बैक। ये देखिए गैस पे मैंने चारों तरफ से फॉइल से कवर करके रखा है, इसलिए कवर करके रखा है कि ताकि हम मोमो को जब बैक करें तो उसकी जो ग्रेवी है कभी नीचे गिर जाती है तो गैस पूरा खराब हो जाता है। खराब हो जाने की वजह से झंझट हो जाता है बहुत साफ करने का, और बहुत ही शॉर्टकट और इजी तरीका है हम इसे फॉइल से पैक कर दें। अब हम गैस जला देंगे और एक एक को हमें इसे अच्छे से सेकना है, इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है। और आप देखिए कितने अच्छे से ये बैक हो गया है, बिल्कुल तंदूरी सा फ्लेवर आएगा। आज के मोमोज जो है ना बस लग रहा है कब बनेंगे और इसे खाने को। तंदूर होने के बाद हम इसमें घी या बटर लगा देंगे, मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ घी, आप बटर भी लगा सकते हैं क्योंकि घी और बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छे से हमें कोटिंग कर देना है ऊपर से नीचे तक, और आप देखिए इसमें अच्छे से घी लगने के बाद मोमोज में शाइन भी आ गया है। और आप देखिए मैंने इसे उलटते पलटते हुए अच्छे से इसमें घी लगा दिया है। अब इसे वापस हमें थोड़ा सा सेक लेना है ताकि घी का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। देखिए मैंने कुछ मोमोस आपको पैन में सेकना सिखाया है, यदि आप गैस पे नहीं बनाना चाहते हैं तंदूर तो आप गैस पे भी बना सकते हैं। मैंने पैन में थोड़ा सा बटर डाल दिया और 4 पीस मैंने इसमें मोमोस डाल दिए। इसे उलटते पलटते हुए हमें 1 मिनट तक सेकना है, हमें जलाना नहीं है, हमें हल्का उलटते पलटते बस सेक लेना है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और आप देख रहे हैं हल्का सा भी ये चालू हुआ है तो सेकना शुरू हो चुका है। आप देखिए हमने इसे उलटते पलटते हुए सेक लिया है, ये अच्छे से सेक चुके हैं, इनको ऑफ कर देना है और इसे सर्व कर लेना है। ये देखिए वापस मैंने बाउल लिया है, बाउल में हम सारे तंदूरी मोमोज को इसमें निकाल देना है, हल्के हल्के से निकालना है ताकि ये टूटे भी ना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बैठ, देखिए सारे मोमोज को हमने
एक बाउल में निकाल, हम इसमें डालेंगे बारीक कटी लंगड़ी और बारीक कटी हुई प्याज। एक ही प्याज डालना है यानी ज्यादा प्याज नहीं डालना है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बटर या घी, गर्म ही गर्म रहेगा तभी हमें डालना है, ताकि उसकी हीट से घी या बटर मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, चाट मसाले से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा ऐसे खट्टा फ्लेवर देने के लिए नींबू का रस, थोड़ा सा कोरिएंडर, हल्की हल्की सी कोरिएंडर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डालेंगे होममेड क्रीम, इसमें होममेड क्रीम डालिए, आप चाहें तो मार्केट की अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि हमारे जो मोमोज हैं वो क्रीमी फ्लेवर के बन जाएं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे मोमोज बन रहे हैं। और ये देखिए हमारे स्मोकी फ्लेवर वाले तंदूरी और स्मोकी फ्लेवर वाले मोमोज बनके तैयार हो गए। यदि इस तरह के मोमोज अपने घर पे बनाएंगे तो आपको मार्केट के मोमोज खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार अपने घर पे बनाएंगे। इस तरह के मोमोज घर पे ट्राई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक हम पहुँचा सकें।